तो कहता हूँ ये बच्चे बड़े भाग वाले हैं सरस्वती बहन, जिन्हें तुम जैसी हिम्मत वाली माँ मिली, वरना पति की मौत के बाद चार चार बच्चों को पालना। राम राम राम। परमात्मा सबकी इज्जत रखता है भैया, मैं तो बस इतना ही जानती हूँ कि इनकी माँ भी मैं हूँ और बाप भी। हाँ बहन, शंकर दास भी हर साल दोनों को मेला दिखाने लाता था, गए साल शंकर की बहुत याद आई। मैं तो इस बार भी नहीं ला रही थी, फिर सोचा कि बच्चों की खुशी मैं नहीं पूरी करूंगी तो कौन करेगा, और फिर सूरज बड़ा ही जिद्दी है। अरे सूरज कहाँ गया? देखा मैं इसी बात से डरती थी भैया। घबराओ नहीं, यहीं कहीं होगा। अच्छा अच्छा, तुम कविता का ख्याल रखना, मैं अभी आती हूँ। भैया ये कितना अच्छा है, ये मुझे भी बना दो ना। तुम इसे भी बना दो। इकन्नी निकाल, तुम इसे बना दो, मैं माँ से ले आता हूँ। आ जा बेटा, आ जा। चारा ने में हाथी नाचे, नेम साहब का जोड़ा, गुड्डा बुढ़िया डेड़ा ना, गुड्डा बुढ़िया डेड़ा ना, मस्त कलंदर डेड़ा ना। ए रख इधर, पैसे है तेरे पास? क्या कर रहा था तू? हाँ मुझे बंदर चाहिए। मैं पूछती हूँ चंदू का। माँ देख मैंने बंदर बनाया, और चंदू भी वहाँ पर बंदर बना रहा है। चल अपन लेंगे बंदर, चल बहुत अच्छा माँ, बहुत अच्छा। देख ले लो माँ जी, ले लो, सिर्फ एक रुपए। नहीं नहीं, एक रुपया तो मेरे पास नहीं है। ले दो ना, बहुत महंगा है बेटा। मैं तुझे माँ ले दो ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं मारूंगी तुम्हें, चुप कर, चल यहाँ से। माँ ले दो ना। अरे भाई मेरे पास सिर्फ एक ही रुपया है, देख देख, एक ही रुपया है। एक रुपया से क्या? ये लो माँ, तू फिक्र मत कर, मैं बड़ा होकर बहुत सारे रुपए कमा के ला के दूंगा। के हाथ पे तुमने बंदर की तस्वीर बनाई थी। हाँ मई, एक लड़के के हाथ पर बंदर बनाया तो था। हाँ, उसको देखा कहीं, और उसका एक छोटा भाई भी था। उसका छोटा भाई? हाँ हाँ मई, उसके हाथ पर आधा ही बंदर बना पाया था कि इतने में डाकू लोग आ गए, लूट मार मचा दी, मेरी दुकान का भी सत्यानाश कर दिया। मई भगवान उनका बेड़ा गर्क करे। ले पहचान ले इसे, है ना मेरे बेटे जैसा। मैं इसको ऐसा बेटा बनाऊंगा कि मेरे मरने के बाद भी तेरे मंदिर लूटता रहेगा और तेरे चिराग बुझाता रहेगा। Thank you.
भगवान तुझे बहुत बड़ा अफसर बनाए और बहुत धन दौलत दे। मुझे धन दौलत नहीं माँ, तुम्हारा आशीर्वाद, तुम्हारा प्यार चाहिए। अरे बेटा, माँ जी का आशीर्वाद तो सदा तेरे साथ है, और ये पुजारी जी के आशीर्वाद का भी मैं प्रबंध करके आया हूँ। काका जुग जुग जी बेटा, जन्मदिन मुबारक हो। ये जन्मदिन तुम्हारे बदौलत है काका, अगर तुम मेले से मुझे बचा कर यहाँ नहीं लाते। माँ क्या हुआ बेटा? मेरी माँ गुम हो गई। तुम्हारी माँ गुम हो गई? अच्छा रो मत, हम तुम्हारी माँ को ढूंढेंगे। हाँ चलो आओ मेरे साथ आओ। बाबूजी ने तुम्हारे माँ बाप की बहुत तलाश की, लेकिन कुछ पता न चला। मुझे जन्म देने वाली माँ कहाँ है, जिंदा भी है या? लेकिन मेरे आंखों के सामने जिस माँ की तस्वीर है वो यही है। माय गॉड, माँ 10 बज गए, आज हमारी स्पेशल मीटिंग है, अगर मैं वक्त पर नहीं पहुंचा तो डीआईजी साहब बिगड़ेंगे। लॉयल्टी वफादारी की आड़ लेकर अपनी जेब मिटाने की कोशिश न करो। ये हकीकत है कि ये जानते हुए भी कि मुजरिम कौन है, हम आज तक उसे कानून के हवाले नहीं कर सके। आज तक न तो हम कोई सबूत ही हासिल कर सके और न कोई चश्मदीद गवाह। कितनी शर्म की बात है कि इतने बड़े गैंग में से तुम एक आदमी भी नहीं तोड़ सके जो जॉनी के खिलाफ मुंह खोल सकता। लेकिन सर, हर आदमी जानता है कि जिसने भी जॉनी के खिलाफ मुंह खोलने की कोशिश की उसकी आवाज हमेशा के लिए बंद कर दी गई। हमें आवाज पैदा करनी होगी। याद रखो इंस्पेक्टर, हर आदमी में कोई ना कोई कमजोरी जरूर होती है। जिस दिन भी तुम उस गिरोह के एक आदमी की कमजोरी पकड़ने में भी कामयाब हो गए, उस दिन सारे का सारा गिरोह तुम्हारी मुट्ठी में होगा। वरना जॉनी इसी तरह कानून और पुलिस का मजाक उड़ाता रहेगा। जॉनी की जान के दुश्मन ये नहीं जानते कि धरती की कोख से अब तक वो लोहा नहीं निकला जिसकी हथकड़ी जॉनी की कलाई को संभाल सके। पुलिस ने लाख सर पटखा,
कानून की रस्सी को खींच खींच कर कितने ही फांसी के फंदे तैयार किए, मजबूत से मजबूत, हसी से हसी, कितने ही जाल फैलाए जानी को गिरफ्तार करने के लिए, लेकिन जानी हमेशा पुलिस की नाकामयाबी का मजाक उड़ाता रहा। लेकिन पुलिस अब बौखला गई है और उनकी यह हालत देखकर हमें एक लतीफा याद आ गया। एक दिन अकबर बादशाह ने अपने दरबारियों से कहा, जो आदमी अपनी बीवी से नहीं डरता वो एक तरफ चला जाए। सबके सब दरबारी उठकर एक तरफ चले गए सिवाय एक। अकबर बादशाह ने उसे पूछा, क्यों मियां तुम अपनी बीवी से नहीं डरते? उसने कहा, हुजूर बंदे की तो बीवी नहीं है। जानी जब कोई लतीफा सुना है तो तुम्हें क्या करना चाहिए? हंसना चाहिए। तो हंसो जोर से। क्यों राजा, हमारा ख्याल सिर्फ ख्याल ही था या उसमें कोई सच्चाई भी है? तुम्हारे पास देखने वाली आंख है जॉनी, राजा इसकी कदर करता है। तो फिर गद्दारी करते वक्त लोग ये क्यों भूल जाते हैं राजा कि जॉनी के पास वो बेरहम दिल भी है जो जीते जागते इंसान को एक बेजान मोम का पुतला बना देता है? क्या इन्हें अपनी जिंदगी से प्यार नहीं? हमने तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, तो फिर लोग जानी के नाम के साथ जालिम और खूनी क्यों जोड़ देना चाहते हैं? इससे पूछ राजा, इसने जानी के साथ गद्दारी क्यों की? क्यों? भरत, शेरू आज हमारी जिंदगी पर एक इंसानी लाश का बोझ और बढ़ गया है, इसे कुछ तो हल्का हो जाने दो। मारो। वेलकम इंस्पेक्टर। हेलो जॉनी। आज हमारी याद कैसे आ गई? तुम्हारी याद ने तो शहर की सारी पुलिस की नींद हराम कर रखी है जॉनी। हम पुलिस की मोहब्बत से अच्छी तरह वाकिफ हैं इंस्पेक्टर।
ये कहने आए हो कि जेल की सलाखें अब तक हमारी याद में सिसकियां ले रही हैं। नो जॉनी नो। हाँ, कमिंग टू द पॉइंट जॉनी, कल मेरे इलाके में कार एक्सीडेंट हुआ था। कार का मालिक फरार है और कार में कुछ कागजात मिले हैं जिसमें तुम्हारा भी नाम है। जॉनी, भरत नाम के किसी आदमी को तुम जानते हो? भरत? हाँ, भरत। तुम गलत जगह पे आ गए इंस्पेक्टर। भरत को ढूंढना है तो राम की अयोध्या में जाओ। भला रावण की इस लंका में भरत का क्या काम? हाँ। लेकिन संभालना जॉनी, तुम तो हनुमान को गोद में लिए फिरते हो। जानते हो, हनुमान ने पूरी लंका को जला दिया था। आपके यहाँ कितने टीचर हैं? अजी साहब, हमारे इस यतीम खाने में इतनी गुंजाइश ही कहाँ है जो हम टीचर रखें। ये तो बेचारी नीता दीदी है, एक अच्छे घराने की लड़की है, आकर बच्चों को पढ़ा जाती है। अच्छा बच्चों, ये तो बताओ, ऐसा कौन सा घर है जिसके दरवाजे बंद कर दिए जाएं तो दुनिया हमें देख सके, हम दुनिया को न देख सके? ऐसा कौन सा घर है जिसके दरवाजे बंद कर दिए जाएं तो दुनिया हमें देख सके, हम दुनिया को न देख सके? आंखें, आंखें, दो आंखें ये दी है, कहा किसने हमको और तुमको और सबको, कहा किसने आंखें, दो आंखें।
खिलौने लाएंगे। मासूम ये दुनिया खुशियों से महरूम, अनजानी मासूम ये दुनिया खुशियों से गया है बॉस। गाड़ियां कहां है? वो तो मेरा इशारा पता ही आ जाएगी, लेकिन इतने माल के लिए दो गाड़े काफी। माल? चलो जल्दी जल्दी। माल? मैं इस माल की नहीं, इस माल की बात कर रहा हूं बॉस। धनुष, इस माल की बात करो, वो माल तो आता जाता रहता है। धनुष, इस माल को मैं चिड़ियों की जन्नत दिखाना चाहता हूँ, इसका फौरन पता करो। ये रहे 50,000 पेश की 6 महीने का किराया, बाकी 50,000 जब नीता मेरे घर पहुंच जाएगी। मोहन साहब, आप जब इतना रुपया खर्च कर रहे तो उससे शादी क्यों नहीं कर लेते? जिस चीज का किराया 6 महीने में आपको 1,00,000 रुपया मिलता है, उसे बेचने से क्या हासिल? 6 महीने के बाद उसे फिर किराए पे चढ़ा देना। मैं तो आप लोगों की भलाई ही सोचता हूँ। बेटे, तुम सचमुच देवता हो। देवता? देवता? देवता दुनिया में देवी जी सबसे बड़ा दौलत है। दौलत? बड़े वक्त पे आए। आइए आइए आइए। वादे के पाबंदी को मैं अपना धर्म समझता हूं, और हां, जिंदगी में कुछ ना कुछ उसूल होने ही चाहिए। आप जैसे असूलों के लोग जिंदगी कितनी आसान बना देते। लेन देन में भूल चूक नहीं होना चाहिए। आज एक और कर्ज चुकाना है, पड़ोस में मेरे दोस्त के बेटे की शादी है। मोहन बाबू, थोड़ी देर के लिए माफी चाहते। नीता बेटी, तू यहाँ ही ठहर जा। लेकिन मैं अकेली। अरे अकेली थोड़ी हूँ, मोहन बाबू जो है, तुम इनका दिल बहलाओ, वो तुम्हारा दिल बहलाएंगे। मैं नीता जी की पूरी खातर करूंगा, आप घबराइए नहीं। अरे अपने से थोड़ी कोई घबराते हैं, हम तो सिर्फ इतना ही कहने जा रहे हैं कि हमारा इंतजार मत करना, हम लोग आज नहीं आएंगे। चलो। कितने शरीफ माँ बाप हैं आपके। चलिए चलिए, मैं आपको चिड़ियों की जन्नत दिखाता हूँ। लोगों को कुत्ते बिल्लियां पालने का शौक है, और मुझे चिड़ियां इकट्ठी करने का शौक है। आइए आइए ना, आइए। घबराइए मत, इस कमरे की खिड़कियां और दरवाजे हमेशा बंद रहते हैं, कहीं ये चिड़ियां उड़ ना जाए। मैंने उसे बात समझाया जॉनी, मगर वो आने से इनकार करता है। अगर मोहन हमारे पास नहीं आ सकता तो हम उसके पास जाएंगे। लहू का लहू पुकारेगा, लहू को लहू पुकारेगा। जन्म जन्म का बंधन रग रग में मौजे मारेगा। लहू चिड़िया हो इनकी तरह, जो पर फड़फड़ा सकती है, उड़ सकती है, मगर आजादी हासिल नहीं कर सकती। ये बेबसी
कितनी दिलचस्प है। कैसी बातें कर रहे हैं आप? जाने दीजिए मुझे। जाने के लिए नहीं आई, कुछ दिन मेरे दिल की रौनक बनने आई हो। मामी डैडी आते ही होंगे, दरवाजा खोल दीजिए। वो वापस आने के लिए नहीं गए, वो इस वक्त सोच रहे होंगे कि मोहन बाबू किस तरह अपने 50,000 वसूल कर रहा है। 50,000? पूरे 50,000, और दूसरे 50,000 उन्हें कल मिल जाएंगे, तुम्हारे 6 महीने का किराया। भगवान के लिए मुझे जाने दो। मैं ही तुम्हारा भगवान। तुम्हारी ये हिम्मत, तो पैसे की छोकरी, मैंने देखा कि साहब की लाश खून में लथपथ पड़ी है। खून कहाँ हुआ? जी यहाँ, अंदर आइए। आइए। इसे नंबर 1 में डालो और नंबर 3 को मेरे पास भेज दो। साहब ने बुलाया। हेलो इंस्पेक्टर। ओ तुम, मिलती जुलती शक्लें, मिलते जुलते काम, भगवान के पुलिस स्टेशन का भी जवाब नहीं। भगवान का पुलिस स्टेशन? क्या अपनी चौकी ऊपर जा रही है? अगर ऊपर जाकर भी तुम जैसे लड़कियों से वास्ता पड़ा तो मैं भगवान से कहूंगा कि मुझे इंस्पेक्टर की नौकरी नहीं चाहिए। हाँ सवाल, बस इतनी चीजें हैं ना। और असली चीज, मेरा साथी। इस चक्कू को तुम साथी कहती हो? साथी वही है इंस्पेक्टर जो मुसीबत में साथ दे, वरना तुम्हारी ये दुनिया है ना, एक जवान बेसहारा लड़की को पल भर भी न जीने दे। यही तो है मेरा सहारा। मगर याद रखो, ये तुम्हारा सहारा एक न एक दिन तुम्हें बहुत लंबी सजा दिला देगा। इसकी कौन परवाह करता है, जब तक जीना है इज्जत के साथ जीना है। पुलिस लॉकअप में रहना क्या इज्जत का काम है? लो यहां साइन कर दो। मैं तुम्हें आखिरी बार माफ करता हूं, एक लड़की होते हुए हर जगह तुम दादागिरी करती रहती हो, कभी किसी का पेट काटने की धमकी देती हो, कभी किसी के दांत तोड़ देती हो। अरे मैं तो उसकी बत्ती से हाथ में दे देती, बड़ा या मोटर वाला। कहता था जवानी में पैदल क्यों चलती है, मेरी मोटर में बैठो, जैसे पैदल चलने वालों की कोई इज्जत ही नहीं। अरे वो तो तुम्हारा हवलदार बीच में आ गया, वरना ऐसे टांग तोड़ती कि सारी जिंदगी पैदल चलने को तरस जाता। क्यों उल्टी सीधी बातें करती हो? देखो इंस्पेक्टर, मेरे से फिर किसी ने उल्टी सीधी बात की, मैंने फिर हाथ पांव तोड़ा, मैं फिर चौकी आई, फिर चौकी से बाहर, ऐसे। ए लड़की। लड़की नहीं,
सुनीता मेरा नाम है। जा रहे हैं आप लोग? आपको कहाँ जाना है? वर्ली। हाँ ठीक, हम भी वहीं जा रहे हैं। रास्ते में बैंड स्टैंड पे थोड़ा माल छोड़ना है, छोड़ के चलते हैं। चलेगा। ठीक, बैठ। आओ बाहर आओ। नहीं मैं यही ठीक हूँ। आओ भी। अरे ये क्या हो रहा है? क्या कर रहे हो? अभी तो मुझे क्या करना, चल। अरे कहाँ ले जा रहे हो मुझे? मैं ये कहती हूँ छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। आ मैं ये कहती हूँ छोड़ दो, कहाँ ले जा रहे हो, छोड़ दो। वाकई कमाल की लड़की हो, वाह वाह, फैबुलस। ए मिस्टर, नीचे। यहां कैसे फंस गई? बस फंस गई, लिफ्ट मांगी थी घर जाने के लिए, साले जबरदस्ती पकड़ कर ले आए। घर कहां? पर ले चलो पहुंचा दूं। आजकल के बदमाश भी कमीने हो गए हैं, अकेले देखकर ऐसे टूट पड़े जैसे लड़की नहीं मटके का नंबर लग गया हो। तुम मटका खेलती हो? हाँ, तुम नहीं खेलते? खेलता हूँ लेकिन जरा बड़ा, सोने चांदी का। सोने चांदी का? ये कहाँ खुलता है? यही समंदर के आसपास, उसी का इंतजाम करने गया था कि तुम मिल गई। ओ, तुम
स्मगलर हो? वाइफ। बहुत पैसा होगा तुम्हारे पास? तुम्हें चाहिए? ए, नियत बिगड़ गई क्या? यहाँ कहाँ जा रहे हो? अपने घर। गाड़ी रोको, पहले मुझे छोड़ो। ना छोड़ो तो? पार कर दूंगी। कमाल है, पहले मदद करो, ऊपर से इज्जत बचाओ और फिर दादागिरी। क्या आता है? ओके। आ गई। कहाँ गायब थी सुबह से? मैं गायब हो नहीं जाती माँ, गायब कर ली जाती हूँ। मेरी एक सहेली है, साली जब भी मिलती है पुलिस की तरह जबरदस्ती पकड़कर घर ले जाती है। और मैं जो सुबह से परेशान थी? तू क्यों फिक्र करती है माँ, तू ही तो कहती है मैं तेरी बेटी नहीं बेटा हूँ। वो तो ठीक है, लेकिन दुनिया वालों की जुबान तो नहीं रोकी जा सकती। कौन दुनिया वाले? कौन सारा मेरे खिलाफ बोलता है? जरा बता तो, एक फटैन कर दूंगी। छी छी छी, कितनी बार तुझे बोला है कि भले लोग ऐसी जुबान नहीं बोलते। भले और शरीफ लोग तो अपने देश में वैसे ही नहीं बोलते। राशन कम कर दो, पानी बंद कर दो, दूध घी शक्कर महंगे कर दो, वो नहीं बोलेंगे। वो फीकी चाय पी लेंगे, भूखे पेट सो जाएंगे, लेकिन बोलेंगे नहीं, क्योंकि वो शरीफ है। जब आदमी अपनी आत्मा को मजबूरी की चारपाई से बांधकर हमेशा के लिए सुला दे तो वो शराफत नहीं रहती, कमजोरी बन जाती है। और तेरी बेटी कमजोर बनकर जीना नहीं सीखी, वो अपने जिस्म अपनी जान की अच्छी तरह हिफाजत करना जानती है। जब तक मेरा साथी, मेरा साथी। क्या मर्ज इतना खतरनाक हो गया है? हाँ, जल्दी दवा नहीं दोगे तो मरीज दम तोड़ देगा। मरीज इतना बेवफा तो नहीं, कुछ पल तो साथ देगा। मैं तो तुम्हारे साथ हूँ। Damn it! और भी दुख हैं जमाने में मोहब्बत के सिवा। देखो कौन आया है। क्या माशूक है? कौन हो तुम? अरे आंखों से कम नजर आता है, इतनी बड़ी लड़की दिखाई नहीं देती। चल हट सामने से। मुंह संभाल के बात कर, काम क्या है? साबू, मेम साहब को जरा काम बताना। ए स्मगलर, मेरा साथी, ए इधर उधर क्या देखता है? देखो मैं मुंह से कम हाथ से ज्यादा बात करती हूँ। कहाँ है मेरा साथी? कैसा साथी चाहिए, दिन का या रात का? ज्यादा बात की तो दिन को तारे दिखा दूंगी। मेरा साथी दे दो, वरना इस टेम्पररी साथी से हाथ धोने पड़ जाएंगे। कमाल की लड़की हो, किसी के भी घर में घुसकर अपना साथी ढूंढने लगती हो। गेट आउट, आउट। अरे वाह, तू कौन होती मुझे गेट आउट करने वाली? मैंने बड़ों बड़ों को आउट कर दिया है। अजीब सरफिरी लड़की हो तुम, अजीब बेईमान स्मगलर हो तुम। एक चाकू पे नियत फिसल गई। चाकू? हाँ, तुम्हारी गाड़ी में गिर गया था। निकालो मेरा साथी। माल बुरा नहीं है।
लड़की तो सुल्ताना डाकू मालूम होती है। तुम भी किसी मानसिंह से कम नहीं हो राजा। ये क्या चक्कर है? आए, नीता यहाँ। अरे क्या हुआ? चलो पुलिस स्टेशन। फिर पुलिस स्टेशन क्यों? अभी बताता हूँ। अरे वाह, मेरे सिवा तुम लोगों को और कोई नहीं मिलता? हमारी तो रोटी इसी पे चलती है, आओ। अरे ये तो टीचर दीदी है। चलो 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 चलो। एक सूरत के हो सकते हैं कैसे दो बेगाने, एक सूरत के हो सकते हैं कैसे दो बेगाने। आंखें तो पहचान रही है लेकिन दिल ना माने, सच तो सच है, सच तो सच है, झूठ कहाँ तक अपने पांव पसारेगा। लहू को लहू पुकारेगा। बिल्कुल मैं, आप हमारी शक्लें एक जैसी है ना, ऐसा लगता है जैसे भगवान ने हम दोनों को एक ही सांचे में ढाल दिया हो। ये भी तो हो सकता है कि हम दोनों को एक ही माँ ने जन्म दिया हो। लेकिन तुम यहाँ, मुझ पर खून का इल्जाम है। तुमने खून किया? नहीं, मैंने खून नहीं किया, मैंने कोई खून नहीं किया। मुझे तो मम्मी डैडी ले गए थे वहाँ। तुम्हारे मम्मी डैडी? कितने भाई बहन हो तुम? मैं अकेली हूँ और मेरी माँ कहती है कि मेरी एक जुड़वा बहन थी। बहन? लेकिन नहीं, मैं तो अपने माँ बाप की इकलौती बेटी हूँ। कहाँ रहते हैं तुम्हारे माँ बाप? नीता, तू जेल से भाग गई? मम्मी डैडी मुझे कहीं छुपा लो। निकल जाओ हमारे घर से बाहर। कमीनी, क्या इसलिए तुझे मोहन के घर में छोड़ा आया था कि तू मोहन का खून कर दे? हराम शादी, तूने हमारे सारे किए कराए पर पानी फेर दिया, अब यहाँ के लेने आई? मम्मी चुप। मम्मी की बच्ची, हम तेरे माँ बाप नहीं। हमने तुझे इसीलिए पाला था कि एक दिन तेरे अच्छे दाम मिलेंगे। मिले सिर्फ 50,000। अरे अगर तुझे ऐसे ही मोहन को मारना था तो 2 दिन के बाद मारती, हमारे दूसरे 50,000 हमें मिल जाते। अरे गोली मारो उस 50,000 को, ये कमीनी हमें अंदर न करवा दे। चल अभी मैं तुझे पुलिस के हवाले कर देता हूँ। तुझसे बात कर बुढ़े, मैं नीता नहीं, नीता की बहन गीता हूँ। लड़कियों के दलाल, लालची कुत्ते। बोल कौन था मोहन? मोहन, मोहन जल्दी बता वरना आर पार कर दूंगी। बता दो बता दो बता। मोहन एक स्मगलर था, जानी और राजा का साथी था। राजा? राजा। इस राजा का महल कहाँ है? महल नहीं है, फ्लैट है, पेट्रोल रोड पर, पेट्रोल पंप के बाजू में। अगर मुझे जिंदगी में और काम ना होते तो आज तुझे मोहन के पास पहुंचा देती। आंधी आने पर जो तिनके बिखर गए थे, लगता है भगवान उन्हें फिर से मिलाना चाहता है। हमारी कविता मिल गई है। कविता कहाँ? कहाँ बिछड़ी और कहाँ पे आज मिली संतान। दिल ही दिल में उमड़ रहा है ममता का तूफान। आंसू तो
जी को कैसे मारेगा, लहू को लहू पुकारेगा। कविता, मेरी बेटी। मैं कविता नहीं, मेरा नाम नीता है। ये नाम उन लोगों ने रखा है जिन्होंने तुझे पाला। तेरे जन्म का नाम कविता ही है, ये हमारी माँ है। लेकिन मेरे माँ बाप तो, जिन्हें तू अपने माँ बाप समझती है, उन्हें माँ बाप कहना इस पवित्र रिश्ते का अपमान करना है। मैं तेरी माँ हूँ बेटी। जब तू 2 साल की थी तो मेले में बिछड़ गई, सारा परिवार बिखर गया था। गीता तेरी जुड़वा बहन है, दोनों की एक सी शक्ल। कुदरत के इसी खेल ने तो आज हमें मिलाया है। बस अब तो एक ही तमन्ना है, मरने से पहले तेरे भाई मिल जाए। मेरे भाई? हाँ, तेरे 2 भाई भी थे। जब मेले में डाकुओं ने हमला किया तो हम सब तेरे लिए मिठाई लेने गए थे। तुझे मिठाई पसंद थी। लो, देखेंगे मिठाई लाई। ठहरो, ये हवालात है। तुम्हारे घर की रसोई नहीं जानती नहीं, मुजरिम को बाहर के कोई भी चीज देना जुर्म है, और ये कोई मामूली मुजरिम नहीं, ये खूनी है, खूनी है। नहीं, मेरी बेटी खूनी नहीं हो सकती। ये बेकसूर है इंस्पेक्टर साहब, इसे छोड़ दीजिए। इन मासूमों के सर पर तो बाप का साया भी नहीं। इनके हाथों की राखी किसी भाई की कलाई पर नहीं बंधी। भाइयों के होते हुए भी इनकी रक्षा करने वाला कौन है? घबराओ नहीं, खूनियों की रक्षा जेल बहुत अच्छी तरह से करती है। नहीं बेटा, ऐसा मत कहो। यही तो मेरी दुआ है, इस बूढ़ी अपाहिज माँ की आंखों की रोशनी पर जेल के दरवाजे ना बंद करो बेटा, मैं अंधी हो जाऊंगी। मैं तेरी माँ जैसी हूँ, तुझे तेरी माँ के प्यार का वास्ता। इसे छोड़ दे। इसे छोड़ना मेरे हाथ में नहीं, कानून की नजर में वो गुनहगार है। लेकिन भगवान की नजरों में तो वो बेगुनाह है। अगर भगवान नाम की कोई चीज है और इसका इंसाफ सच्चा है, तो तुम्हारे प्यार की सौगंध माँ, मैं नीता को बेगुनाह साबित करके ही रहूंगी। अरे भाई, गीता भाई, ये बेकअप बेकअप कहाँ जाने की तैयारी है? जिंदगी की बाजी जीतने के लिए कई हथियारों का इस्तेमाल करना पड़ता है लॉटरी बहन। Thank you.
मुश्किल है। दिल कर बैठा प्यार अजब मुश्किल है। हर दर्द मोहब्बत का बड़ा कातिल है। मजबूर है, मजबूर रुकिए साये की तरह मेरा पीछा कर रही है। तुम्हारा साया बनने के लिए जरा हाँ कह के देखो। साये की तरह जिंदगी भर साथ रहूंगी। इस साथ की कीमत? कीमत तो बेचने वाला मांगता है, बिकने वाला नहीं। मैं तो खुद बिकने आई हूँ। मैं लाखों से कम का सौदा नहीं करता। अपनी कीमत का अंदाजा है मुझे। कोई और दुकान नहीं मिली? हीरा जौहरी के पास अच्छा लगता है, पंसारी या पनवाड़ी के पास नहीं। मैं स्मगलर बनना चाहती हूँ। तुम सा प्यारा उस्ताद और कहाँ मिलेगा। जानबूझकर खतरा मोल लेना चाहती हो? खतरों से खेलना मेरा बचपन का शौक है। स्मगलिंग करना बहुत बड़े दिल का काम है। अगर पकड़ी गई तो सीधा जेल जाओगी। जेल में तो मेरा परमानेंट राशन कार्ड रहता है। एक बार फिर सोच लो, इसका अंजाम बहुत बुरा होता है। मुझे अंजाम की फिक्र नहीं, इनाम तो बड़ा होता है। बस अंजाम के बाद का इनाम जरूर मिलना चाहिए। यह सब नंबर 9 ने हमें अभी अभी बताया। लेकिन जॉनी, हमारी कश्तियों पर कब्जा करने की उनकी हिम्मत कैसे हुई? मौत जब मेहरबान होती है राजा, तो इंसान अपनी जान हवा में उछालता फिरता है। तुम्हारे मुकद्दर में जितनी आयश थी तुम कर चुके हो शेख। अब जॉनी का इंसाफ तुम्हारा इंतजार कर रहा है। चलो। इंसाफ नहीं, मौत।
तुम्हारा मौत आज तुम्हारा इंतजार करता है राजा। तो यही चाहिए था कि जॉनी से गद्दारी के जुर्म में तुम दोनों की खबरों का तख्त उसी समंदर की गोद में बना दिया जाता जिस पर तुम हुकूमत करने के ख्वाब देखते थे। लेकिन तुम्हारी बिरादरी के लोग जिनकी सांसें मोम के कफन में दफन हो चुकी हैं जॉनी से इंसाफ मांगते कि तुम दोनों की जगह इनके साथ क्यों नहीं दी गई। जॉनी अब इनकी किस्मत का फैसला तुम्हारे हाथ है। शेख तुम हमारे पुराने साथी रह चुके हो इसलिए हम तुम्हें इजाजत देते हैं तुम अपनी मौत खुद चुन सकते हो। बोलो कैसी मौत चाहिए तुम्हें। तुमने सच कहा था कि बेइज्जती का मौत से इज्जत का खुदकशी बेहतर है। छीनना चाहते जाओ तुम्हें माफ पटाखों का शोर बच्चों को अच्छा लगता है मर्दों को नहीं है ना जॉनी। राजा पैदा तो हर इंसान एक ही बार होता है लेकिन मरने का अंदाज अलग अलग होता है। अरे ओ मोम के पुतले बनाने वाले जॉनी
तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा कि तुम्हारी मौत इतनी खूबसूरत और पवित्र होगी। राजा, हिंदुओं में माना जाता है कि मुर्दों को जलाने से पहले स्नान कराना चाहिए, मगर क्या करूं, मजबूरी है, पानी ही नहीं। मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूं मालूम है? पेट्रोल। साथ साथ कहो, अगर मैंने जॉनी की पार्टी से गद्दारी की, तो मेरा जिस्म इसी तरह जला दिया जाए, मैं इस पार्टी को अपने खानदान, अपने धर्म, अपने मुल्क से बढ़कर मानूंगी। मैं कसम खाती हूँ कि पार्टी का हर राज मुझे मेरी जान से ज्यादा अजीज होगा। हाथ हटा लो। राजा, आज से तुम्हारी जिंदगी इन्हीं के साए में कटेगी। तुम इनके साथ साथ जियोगी और इनके साथ साथ मरोगी। तुम गोली कौन से हाथ से चलाती हो? दो बूंदों का संगम राखी का है बंधन, खून की दो बूंदों का संगम राखी का है बंधन। ये क्या जाने
खेला इनका बचपन, अब तक जीत हो अब तक जीत समय की, लेकिन समय भी एक दिन हारेगा। लहू को लहू उतारेगा, लहू को लहू पुकारेगा। जन्म जन्म का बंधन रग रग में मौजे मारेगा। लहू को लहू। हे भगवान, ये इंतजार भी बड़ी मुसीबत है। मेरे सपनों की रानी कब आएगी, मेरी रानी कब आएगी? आ, मेरी रानी आ गई। वाह वाह वाह, क्या नाजुक कलाई है, जैसे सूरमे की सलाई है। जी चाहता है इसे हर वक्त आंखों में घुमाता ही रहूं। आज मैं तुझे दबा के प्यार करूंगा। अरे अरे उस्ताद, अरे अपने चेले पे ही हाथ साफ कर रहे हो। अबे ओ चेले, मेरी चेली कहाँ है? उल्लू के पट्ठे आशिकों से मजाक करता है, तो नर से मादा कैसे बन गया? अरे उस्ताद, रानी के पास पहुंचने का बस यही तो एक रास्ता था। उसका भाई है ना, दरवाजे पे गोरखा बन के बैठा है। ओ, तो तू दरवाजे से वापस आ गया? अरे नहीं उस्ताद, घर में गया, खबर पहुंचाया, बस वो आ रही होगी। इससे पहले तुम इस ड्रेस का भाड़ा निकालो। अरे उस्ताद, ओ, मेरी रानी। कहो मेरे राजा। मेरा भाड़ा? अरे बेटा, तुम्हारे घर जाने का टाइम हो गया है, जाओ दूध पियो, जाओ 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 जाओ। तुम कितनी अच्छी हो। अच्छा हुआ तुम आ गई। हे भगवान, अगर मेरे नसीब से नहीं तो मेरे होने वाले बच्चों के नसीब से एक लॉटरी दे दे, ताकि मैं इस कंडीशन से निकलकर किसी एयर कंडीशन रूम में सुहाग रात मना सकूं। अरे मेरा भाड़ा। ओ यू, भाड़ में गया तेरा भाड़ा, जाओ यहां से, जाओ। सॉरी, आओ दोबारा अंदर चले। वाह उस्ताद, काम निकलने के बाद भाड़ा ही भूल गए। ओके जॉनी। हाय। हाय। जाना कब है? कल सुबह। आदमी कैसा है? खूबसूरत। तब तो खूब गुजरेगी। अच्छा, देखना कहीं हद से ना गुजर जाना। क्यों? इसलिए कि तुम्हारे बगैर हमारी कैसे गुजरेगी। अच्छा, आजकल हुजूर की नजर हम पर है। अगर तुम्हारी नजरें नायत हो तो। नजरें बददूर, हम इस काबिल तो हुए। आ गया। हाय राजा। हाय। आजकल मछलियों का शिकार हो रहा है। कांटे वाली है या बिन कांटे? ये तो काट कर पता चलेगा। काट कर नहीं देखी? अभी तक तो सिर्फ जाल बिछाया है। काफी वजनदार शय है। कहो तो मैं मदद करूं राजा। इसीलिए तो बुलाया है तुम्हें। सच? पूना में मिस्टर एंड मिसेस मल्होत्रा के नाम से दो हनीमून स्वीट बुक हो चुके हैं। राजा, कब तक नकली हनीमून कराते रहोगे? इस बार असली हो जाए। पहले असली काम तो कर लो। सुनो, सुबह 12 बजे पूना में तुम्हें एक पैकेट मिलेगा, और खंडाला में रात अंधेरी तुमसे वो पैकेट ले लेगी। रात अंधेरी की पहचान? गुड क्वेश्चन पॉल। इस नोट का बाकी आधा हिस्सा तुम्हें उसके पास मिलेगा। मैं फैसला कर चुका हूं। फैसला? अकेले अकेले? मैं हर कीमत देने को तैयार। किसकी? इस रात।
इस रात में क्या खास बात है? बात हुस्न के इस कायनात में है, जिसका अंग अंग एक तहता हुआ शोला है। छुओ मत, चल जाओगे। इकट्ठे चलने में मजा आएगा। चलने के लिए स्विट्जरलैंड की बर्फीली पहाड़ियां कैसी रहेगी? ये स्विट्जरलैंड नहीं, खंडाला है, खंडाला। लेकिन हमारा हनीमून सिर्फ स्विट्जरलैंड में होगा। 20 लाख रुपए काफी हो गए ना? 20 लाख? हाँ, मेरे पास 20 लाख के हीरे हैं। तुम्हारा मतलब है हीरे? जब तुम जैसा हीरा मेरे पहलू में हो तो जिंदगी भर की प्यास बुझ सकती है।
का प्लेन उड़ गया। उड़ जाने दो। जो लोग हवाओं का रुख बदलना जानते हो वो उड़ने वाली चीजों की कोई परवाह नहीं करते। मैं बेवकूफ नहीं हूं, मैं सब समझता हूं। तुम जैसी असली चीज पाने के लिए माल भी असली होना चाहिए। ये है असली ही नहीं। और वो हीरे? मैं क्या जानूं? किसी ने बदल दिए होंगे। पहले दो बार ऐसा हो चुका है। किसने किया? जिसे करना आता होगा। माल पहुंचते पहुंचते इतने हाथ बदलते हैं किसी को कुछ पता नहीं चलता। अगर जॉनी को पता चल गया तो? उसे पता चलने से पहले हम लाभ उठा जाए। डन डन। लेकिन कब? इस संडे तक पासपोर्ट तैयार हो जाएंगे। मंडे की मॉर्निंग फ्लाइट, राइट? मंडे सुबह 4 बजे अपने फ्लैट में तुम्हारा इंतजार करूंगा। वार्नर रोड, सनफ्लावर, 2nd फ्लोर, ओके? आ गई। इस वक्त वक्त बड़ी बेवफा चीज है मेरे दोस्त। किसी दोस्ती किसी रिश्ते का लिहाज नहीं। वक्त जरा आंख झपकी गया हाथ से। ओ कहां की तैयारी? दिल्ली जा रहा था। दिल्ली? कितने रोज के लिए? बस यही शाम के ब्रेक से वापस आ जाऊंगा। कोई खास काम? नहीं कोई खास काम तो नहीं, लेकिन अफसोस इस बात का है कि हम ही बेखबर रहे। हमें बता दिया होता कि तुम्हें ऊंची हवाओं में उड़ने का इतना शौक है तो हम तुम्हें स्विट्जरलैंड भेज देते। तुम्हारी सैर हो जाती, हमारा काम हो जाता। कैसा काम? ये नकली हीरे। क्यों किया पॉल? क्यों? दिल की बस्ती अजीब बस्ती है, सूखते वालों को तरसती है। ये जो जी ये गीता मेरे साथ को दे दे। जी हाँ दे दूंगा। किसको? किसको नहीं, गीता मेरे साथ दे दूंगा। मेरी महबूबा, कल शाम 5 बजे उस पेड़ के नीचे जहाँ दिन भी रात लगती है चले आओ। कुछ प्यार मोहब्बत की बातें करेंगे राजा। सुनो केशव। जी मैम साहब। ये खत लो। हाँ। और गीता मैम सबको दिखाओ। जी। और कहो कि राजा साहब सिर्फ
मुझसे मोहब्बत करता है। जी क्या कहोगे? कहूंगा राजा साहब आपसे मोहब्बत करता है, कह दूंगा, बोल दूंगा। अरे नहीं इधर नहीं। मेरी महबूबा, कल शाम 5 बजे उस पेड़ के नीचे जहां दिन भी रात लगती है चले आओ, कुछ प्यार मोहब्बत की बातें करेंगे। राजा राजा साहब सिर्फ आपसे मोहब्बत करते हैं। जहां दिन भी रात लगती है वो तो चुरो खड्डा है। मोहब्बत है जहाँ तुम हो जहाँ हम हैं, मोहब्बत ही मोहब्बत है जहाँ तुम हो जहाँ हम हैं। चले आओ चले आओ, फुर्सतें प्यार की कम है, मोहब्बत ही मोहब्बत है जहाँ तुम हो जहाँ हम हैं, मोहब्बत ही मोहब्बत है जहाँ तुम हो जहाँ हम हैं। तलवारों की छाँव में जब इश्क जवां होता है, तलवारों की छाँव में जब इश्क जवां होता है, जो प्यार करे वो जाने वो कैसा समा होता है। बड़ी खूबसूरत है मासूम सी नादानी, मोहब्बत ही मोहब्बत है जहाँ तुम हो जहाँ हम हैं, मोहब्बत ही मोहब्बत है जहाँ तुम हो जहाँ हम हैं। हमने लुटाया है अब जान लुटा देंगे, दिल हमने लुटाया है अब जान लुटा देंगे, यूं मरते हैं उल्फत में हम मर के दिखा देंगे। आशिक की मौत तो है हुस्न की जवानी, मोहब्बत ही मोहब्बत है जहाँ तुम हो जहाँ हम हैं, मोहब्बत ही मोहब्बत है जहाँ तुम हो जहाँ हम हैं। चले आओ चले आओ, फुर्सतें प्यार की कम है, मोहब्बत ही मोहब्बत है जहाँ तुम हो जहाँ हम हैं, मोहब्बत ही मोहब्बत है जहाँ तुम हो जहाँ हम हैं। CQ 1717 1777 लग गई, 3 लाख मिल गए, मिल गए, मजा आ गया, 3 लाख मिल गए, 3 लाख मजा आ गया, सारी चौल खरीद लूंगा, एक एक को बताऊंगा, 3 लाख मिल गए, 3 लाख मजा आ गया, बाय बाय। पागल नहीं हो गया? जय हिंद पागल हो गया, अरे पागल हो गया, जय 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 बच्चे पा, मेरे 3 लाख, मेरे
कर इसको। क्यों? मेरे 3 लाख, मेरे 3 लाख। अरे पतलू उतारो, पतलू पतलू उतारो। अरे कहाँ गए मेरे पैसे, मेरे पैसे, मेरे पैसे कहाँ गए? ओ मेरे पैसे कौन ले गया? ए भगवान मेरे पैसे कहाँ चले गए? कौन ले गया? कौन पंजाब मेरे पैसे ले गया? ओ बेटा, इस लॉटरी ने तो मुझे नंगा कर दिया भगवान। लॉटरी में फर्स्ट टाइम टिकट आया, क्या रिटर्न टिकट था जो आते ही चला गया? ऐसा मत करो मेरे भगवानो, ऐसा मत करो। फिर मैं तो एक नहीं, 4-4 भगवानों को मानता हूँ, उधार के फूल चढ़ाता हूँ। ए मेरे चारों भगवानों, मुझे मेरा टिकट ढूंढ के दे दो, ढूंढ के दे दो। कहाँ है? हरी हरी, थैंक यू वेरी मच मेरे भगवानों। मुझे मालूम था कि तुम जुए और लॉटरी का पैसा अपने पास नहीं रखते हो। अभी तक कोई नहीं जानता कि वो लोग स्मगल किया हुआ सोना इस ट्रेन से भेज रहे हैं। आई श्योर जॉनी? जॉनी इज ऑलवेज श्योर राजा। प्लान क्या है? हमें इस चलती ट्रेन से सोने से भरा कंपार्टमेंट अलग करना होगा और उस पर कब्जा करना होगा। वो कैसे? जब ये ट्रेन लवडेल स्टेशन पर पहुंच जाएगी तो हमारी ये गुड़िया गार्ड के कंपार्टमेंट में दाखिल हो जाएगी।
शराफत का मैंने भी थोड़ा चलन। ओ, ओ मेहरबान देखो जरा कैसे गैरों ने लूटा है मेरा चमन। डब्बा हमारी ट्रेन के साथ नहीं है। क्या कह रहे हो? आप इन्फॉर्म कर दीजिए। हमें मिल गया बॉस। वेरी गुड। और राजा? राजा हमारे साथ ही था, लेकिन पुलिस के डर से हम लोग अलग अलग हो गए। इसका मतलब ये पुलिस राजा के पीछे है। लेकिन सोना हमारे कब्जे में है बॉस। शट अप! सोने से ज्यादा हमें राजा अजीज है।
الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان والشمس والقمر بحسبان من بابا بابا علي इनकी चोट आई है, पुलिस हमारा पीछा कर रही है, एक रात के लिए यहाँ पनाह मिल सकती है। पनाह देने वाला तो अल्लाह है बेटी, मैं एक हकीर इंसान क्या पनाह दे सकता हूँ, और तुम खुदा के घर में पनाह ले ही चुके हो। आओ भाई, आ जाओ। मौलवी जी, कोई जख्मी आदमी तो इस तरफ नहीं आया? हाँ भाई। ये तो अल्लाह का घर है और इस घर के दरवाजे उसके बंदों के लिए हमेशा खुले रहते हैं। यहां उसके बंदे आते भी हैं और जाते भी हैं। चलो। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। आओ बिस्मिल्लाह, संभाल कर। मौलाना, मैं और गीता आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। बेटी, तुम्हारा नाम गीता है? गीता और कुरान, ये दोनों नाम अल्लाह को बहुत प्यारे हैं। अपने इस मुकद्दस नाम की अपने नेक आमाल से हिफाजत करना। जाओ बेटा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज मौलाना। खुदा हाफिज। मेरा नाम सावित्री है, गीता मेरी बहुत अच्छी सहेली है, उसने मेरे बारे में आपको जरूर बताया होगा। माँ जी, मैं गीता की शिकायत लेकर आई हूँ। शिकायत? कौन कहो? आजकल गीता कुछ गलत लोगों से मेल जोल बढ़ा रही है, मुझे ये बात पसंद नहीं है। आप उसे समझाइए ना, ऐसा ना हो कि लोग उसे। नहीं बेटी, तू उसे गलत समझ रही है। गीता ने आज तक मेरे से कोई बात नहीं छुपाई। दरअसल वो उन गुंडों में से उस कातिल की तलाश में है जिसकी वजह से उसकी बहन जेल में है। बहन? गीता की बहन? हाँ, किसी को कहना नहीं ये बात, और किसी को नहीं मालूम। अच्छा, अब गलत फहमी दूर हो गई। गीता जिस तरह हर सुबह उभरते हुए सूरज की कर्जदार है, उसी तरह आज मैं अपनी जान की सलामती के लिए तुम्हारा कर्जदार हूँ। एक बार फिर जब जिंदा रहने की उम्मीद दम तोड़ रही थी, तुमने अपनी जान पर खेलकर मेरी डूबती हुई सांसों को एक नई जिंदगी दी। मैं तुम्हारे मोहब्बत कभी एहसान नहीं करती राजा। मोहब्बत को जो करना होता है कर गुजरती है। उस दिन तुम्हें आग में घिरा हुआ देखकर मेरा प्यार तुम्हें बचाए बिना न रह सका। काश उस आग में जानी अकेला होता और मैं जानी से उसकी जान का सौदा कर सकती। जानी से सौदा? हाँ, मुझे जानी से एक बदला चुकाना है। कैसा बदला? अपनी बहन की मासूमियत का। जानते हो मैं तुम्हारी पार्टी में क्यों शामिल हुई? गीता तुम्हारी पार्टी में शामिल हुई ताकि मोहन के असली कातिल का पता लगा सके। क्यों? इसलिए कि जो लड़की मोहन के कत्ल के जुर्म में बंद है वो गीता की बहन है, और बहन को बचाने के लिए उसके पास एक ही रास्ता है, जानी को कातिल साबित करना। लेकिन सबूत? सबूत उसके पास है राजा। राजा हमारा दोस्त है और हमें राजा की दोस्ती पर नाज है। लेकिन राजा गीता से प्यार करता है, और मर्द जब औरत की मोहब्बत में डूबता है तो सब रिश्ते, सारी दोस्तियां किनारे पर धरी रह जाती हैं।
ये किनारे भी अपने आप को बहुत ताकतवर समझते हैं राजा। सोचते हैं नदी को हमेशा अपनी बाहों में बांधे रहेंगे, लेकिन जब नदी में तूफान आता है तो यही किनारे मजबूर और बेबस होकर नदी के आगे घुटने टेक देते हैं। राजा, अगर जॉनी को पता चल जाए कि तुम भी मेरे साथ हो तो उसका गुरूर से तना हुआ सर कानून के आगे झुक जाएगा और मेरी बेकसूर बहन आजाद हो जाएगी। क्या सोच रहे हो? सोच रहा हूं क्या करूं क्या ना करूं। एक तरफ सच्चाई है, मासूमियत है, मोहब्बत है, दूसरी तरफ दोस्ती है, भरोसा है, एतमाद है। एक तरफ दिल के धड़कने की सदा आ रही है, दूसरी तरफ जमीर आवाज दे रहा है। एक तरफ प्यार अपना हक मांग रहा है, दूसरी तरफ फर्ज की पुकार सुनाई दे रही है। किसे सुनो किसे न सुनो, मुझे दोनों अजीज हैं, और कौन अपने अजीजों का खून होते हुए देख सकता है। गीता, अगर मुझे तुम न मिलती तो मैं शायद जिंदगी भर औरत की मोहब्बत से नावाकिफ रहता, लेकिन अगर राजा की जिंदगी को जॉनी की दोस्ती का सहारा न मिलता तो राजा राजा न होता। राजा एक बेसहारा इंसान रहता, बेयार और मददगार, आसमान से टूटे हुए तारे की तरह यतीम, पैदा होने से पहले ही मर जाने वाले बच्चे की तरह गुमनाम। हाँ गीता, इस भरी दुनिया में मेरा कोई न था, मैं जहां जाता था ठोकरें मिलती। गीता, लोग अपनी खुशियों के लिए अपने मुकद्दर को सलाम करते हैं, खुशहाली के लिए अपने वक्त को दुआएं देते हैं, नाम के लिए अपने नसीब को पूछते हैं। मेरे लिए मेरा वक्त, मेरा मुकद्दर, मेरा नसीब जॉनी है। जो तुम चाहती हो गीता वो मुझसे नहीं होगा, राजा वो नहीं कर सकेगा, क्योंकि राजा को वो नहीं करना चाहिए। तो फिर राजा को क्या करना चाहिए? सच्चाई से मुंह मोड़ लेना चाहिए, मासूमियत का दुश्मन बन जाना चाहिए, मोहब्बत का गला घोट देना चाहिए। राजा, अगर तुम्हारा धर्म यही कहता है तो ठीक है, तुम अपना धर्म निभाओ, मैं अपना धर्म निभाऊंगी। वो मासूम भला क्या गाड़ी को लूटेगा? इंस्पेक्टर साहब, आपको जरूर गलती लग रही है। मैं गीता के चाल चलन से अच्छी तरह से वाकिफ हूं। जैसे वो घर में कदम रखे उसे पुलिस स्टेशन भेज देना, वरना मैं कहता हूं। क्या होगा इंस्पेक्टर? अच्छा हुआ तुम आ गई गीता, पुलिस तुम्हारे बारे में सब कुछ जान चुकी है। तुम्हारी भलाई इसी में है गीता कि तुम पुलिस और कानून का साथ दो। बताओ वो सोना किधर है? मुझे सोने से कोई मतलब नहीं, मुझे अपनी बहन की जिंदगी चाहिए। क्या तुम मुझे एक दिन की मोहलत दे सकते हो? एक दिन की मोहलत? क्या मतलब? इंस्पेक्टर, अगर मैं तुम्हें बता दूं सोना कहाँ है, क्या तुम मुझे 24 घंटों के लिए छोड़ सकते हो? मैं अपनी मंजिल के बहुत करीब आ चुकी हूँ। 24 घंटों के अंदर मैं असली कातिल को भी कानून के हवाले कर दूंगी। पहले ये बताओ कि वो सोना किधर है? मेरी शर्त मंजूर है। शर्त? वेलकम वेलकम, हमारी ट्रेन रॉबरी की हीरोइन, कमाल कर दिया तुमने। जलती हुई क्षमा पर हाथ रखकर जो कसमें तुमने खाई थी उन्हें बड़ी खूबी से पूरा किया, शाबाश। तुम्हारी इस वफादारी से खुश होकर हम तुम्हें ये सुनहरी इनाम पेश करते हैं। घबराओ नहीं,
पुलिस वालों को भी सोने की बजाय यही इनाम मिलेगा। मैं आखिरी बार कह देता हूं, इस सारी चाल को पुलिस ने घेर रखा है और वो घर घर की तलाशी ले रही है। अगर तुमने नहीं बताया तो जब तक तुम्हारी बेटी अपने आप को पुलिस के हवाले नहीं कर देती, तुम्हें पुलिस की हिरासत में रहना होगा। मुझे कुछ पता नहीं। तुम्हें सब कुछ पता है और तुम सब कुछ बता दोगे। बेटा मुझे कुछ मुझे बेटा मत कहो, मुझे बेटा मत कहो, याद रखो तुम्हारी बेटी पुलिस की नजर बचा कर कहीं नहीं जा सकती। बताओ तुम्हारी बेटी कहाँ है, बताओ तुम्हारी बेटी कहाँ है। माँ देख मैंने बंदर बनाया और चंदू भी वहाँ पर बंदर बना रहा है। क्या देख रही हो? कहाँ बिछड़ी और कहाँ प्यास मिली संतान, दिल ही दिल में उमड़ रहा है ममता का तूफान। आंसू तो पी जाए कोई, जी को कैसे मारेगा। लहू गीता मेरी बहन है। हाँ बेटा, उसे बचा लो, ना जाने उस बेचारी पर क्या गुजर रही होगी। कानून के पट्टे में बंधा हूँ माँ, बिना सबूत के कुछ नहीं कर सकता बेटा। लेकिन माँ तो फिक्र न कर, एक इंस्पेक्टर ना सही लेकिन एक भाई तो अपनी बहन को बचा सकता है। बच्चों घबराओ नहीं, गीता भाई की जान बचाने के लिए हम लोग अपनी जानें कुर्बान कर देंगे। मैं स्कीम बताता हूं। ये बच्चे नहीं सरकार, ये तो शैतान है। रोशनदान तोड़कर अंदर दाखिल हुए हैं, अपने आप को अनाथ कहते हैं मगर हैं बड़े खतरनाक, और अपने ये जासूस हैं जासूस। अगर आपका हुक्म हो तो हम इन बच्चों के मुंह के पुतले बना दें। ये अनाथ बच्चे जासूस नहीं, हमारे मेहमान हैं और इनकी खातिर करना तुम्हारा फर्ज है। इन्हें चॉकलेट खिलाओ, आइसक्रीम खिलाओ। इस साजिश में गीता और राजा ही नहीं बल्कि इंस्पेक्टर भी शामिल है। इंस्पेक्टर पुलिस? इंस्पेक्टर और गीता दोनों सगे भाई बहन। बहुत खूब, फिर तो आज जश्न का दिन है। इंस्पेक्टर और उसकी मां को फौरन दावत दी जाए। आओ राजा। सिर्फ तुम्हारा ही इंतजार था, कोई खास खबर? सोना मिल गया जॉनी। सोना क्या चीज है राजा, तुम जैसा वफादार दोस्त अगर हमारे साथ हो तो हम आसमान के सितारे भी जमीन पर उतार लाएं। आओ हमारे साथ राजा, आज तुम्हारी कामयाबी पर जश्न होगा। आओ राजा। पहचानते हो उस लड़की को? ये वही लड़की है राजा, जिसे जॉनी की पार्टी के साथ साथ जीने और मरने की कसमें खाई थी। ये वही गीता है जिसने खून से खून मिलाकर हमारी हमराज बनने का वादा किया था। ये वही शेरनी की बेटी है जिसने अपने कारनामों से साबित कर दिया कि इस रगों में भी कुछ अपने ही जैसा खून दौड़ता है। लेकिन खून फिर भी खून होता है। ये कसमें, ये वादे, ये कारनामे, इसके खूबसूरत चेहरे पर एक नकाब था जो आज हमने रख दिया। राजा,
इस लड़की ने वो जलवे दिखाए हैं कि अगर तुम हमारे दोस्त ना होते तो वो सोना जो तुमने अपनी जान पर खेल कर लूटा है आज सरकारी खजाने में होता। अगर राजा हमारा यार वफादार ना होता हमारी जिंदगी का चिराग आज मौत के साए में टिमटिमा रहा होता और अपने घर में घी का चिराग रोशन करती होती। गलती तो इंसान से हो ही जाती है। कुछ लोग ऐसे भी होते होंगे जो अपनी दोस्ती को एक लड़की की मोहब्बत पर कुर्बान कर दें, लेकिन हमारा राजा ये नादान लड़की क्या जाने कि राजा वो हीरा है जिसकी रोशनी से हमारे दुश्मनों की आंखें जुझा जाती हैं। राजा वो तलवार है जिसकी धार के साए तले हम हमेशा महफूज रहे हैं और राजा वो दोस्त है जिसकी दोस्ती की कसम खाकर हम हंसते हंसते मौत की गोद में बैठ सकते हैं। राजा आज तक तुम हमें गद्दारों का पता बताते रहे और हम इंसाफ करते रहे, हम सजा देते रहे, लेकिन आज आज हम तुम्हारे सामने गद्दार लाए हैं। इंसाफ तुम करोगे, सजा तुम दोगे। हम जानते हैं राजा सजा देने वाले को कितने आग के दरियाओं से गुजरना पड़ता है, लेकिन फर्ज फर्ज है, इंसाफ इंसाफ है। ये लो। हाथ उठा राजा। क्या हुआ राजा, तुम्हारा हाथ क्यों नहीं उठ रहा? हमारी समझ कहीं ठोकर तो नहीं खा गई? राजा तुम्हारे हाथ क्यों कांप रहे हैं? ये लड़की तेरी कौन लगती है? कोई बात नहीं राजा, कुछ सवाल ऐसे भी होते हैं जिनका जवाब देना बहुत मुश्किल होता है। और राजा तुम्हारी खामोशी तुम्हारा जवाब है। शेरो कर जाऊंगी कि जिंदगी भी बहुत।
खुश हुए राजा, आज हमारे राजा का हाथ तो हम पर उठा। दुर्योधन, आज तक मैं तेरे लिए करण था, आज से अर्जुन बन गया हूं। अर्जुन? ठीक है,
छोड़ दो इसे। राजा से दोस्ती भी अपनी, दुश्मनी भी अपनी। आओ अर्जुन, आज महाभारत की याद फिर से ताजा हो जाए। आ गया है, हमने उसको पकड़ लिया है। ठीक है, पहले इंस्पेक्टर से निपट लेंगे, फिर आपस में निपटेंगे। राजा इसका ख्याल रखो। हाँ, वेलकम इंस्पेक्टर, वेलकम। आज फिर से हमारी याद कैसे आ गई? कुछ यादें ऐसी भी होती है जॉनी,
जिन्हें कभी बुलाया नहीं जा सकता। ए, ये क्या बदतमीजी है? जो हमें गिरफ्तार करने आए हैं उनको तुमने गिरफ्तार कर लिया, छोड़ दो इन्हें। जानते नहीं ये पुलिस इंस्पेक्टर हैं? नहीं, पुलिस इंस्पेक्टर नहीं। आज एक भाई अपनी बहन को तुम्हारे कैद से छुड़ाने आया। वंडरफुल वंडरफुल, आखिर लहू ने लहू को पुकारा। हम तुम्हारी फरियाद पर जरूर गौर करते इंस्पेक्टर, अगर तुम्हारी बहन ने हमारी पार्टी के साथ गद्दारी न की होती। और तुम तो जानते ही हो मुजरिम को सजा देना कानून का फर्ज है। कौन सा कानून जॉनी? जो समाज के बनाए हुए कानून को तोड़ना अपना फर्ज समझता है, वो कानून जो सरकारी खजाने लूटने में फक्र महसूस करता है, वो कानून जो सोने चांदी और हीरे की स्मगलिंग करना अपना पेशा समझता है। नहीं जॉनी नहीं, तुम सिर्फ कानून और पुलिस के ही नहीं तो समाज के भी दुश्मन हो। तुम वो हो। तकरीर अच्छी थी, लेकिन सरकारी वर्दी उतार फेंकने के बाद भी सरकार से इतनी हमदर्दी? हमदर्दी का पता तो तब चलता जॉनी अगर पुलिस को तुम्हारे खिलाफ सबूत मिल गए होते। जॉनी, मैं गीता को लेने आया हूं और ले जाकर रहूंगा। हम खुश हुए भाई के खून ने जोश तुम्हारा। इंस्पेक्टर, अगर तुम हमें पकड़ लेते तो तुम्हारी सरकार हमें मुजरिम साबित करके सिर्फ एक ही सजा देती, सजाए मौत। और सदियों से हर मुल्क में हर गद्दार की सजा भी सजाए मौत ही रही है, और लोग मौत के साथ ही उस गद्दार का नाम, शक्ल और सजा सब कुछ भूल जाते हैं। लेकिन आज आज हम तुम्हारी बहन को गद्दारी की सजा में एक ऐसा खूबसूरत मोम का जामा पहनाएंगे कि तुम जब चाहो आकर अपनी बहन को देख सको। लेकिन लेकिन गद्दारों को सजा देने की इस रस्म में इन मासूम बच्चों का क्या काम? ले जाओ इन सबको। छोड़ो मुझे, मैं गीता भाई को लेके जाऊंगा। जॉनी के बच्चे, मैं तेरी बूटियां चबा डालूंगा। अबे ओ चूहे, ये दूध के दांत और जानी की बूटियां चबाएंगे? तुम्हारी हालत देखकर हमें एक लतीफा याद आ गया। एक दिन एक चूहे के बच्चे ने एक पहाड़ जैसी चीज चलती फिरती देखी और वो उस चीज के पास पहुंचा और पूछा, अरे भाई तुम्हारा नाम क्या है? जवाब मिला, हमारा नाम हाथी है। और उसने पूछा, हाथी साहब आपकी उम्र क्या है? हाथी ने जवाब दिया कि हमारी उम्र 6 महीने की है। और चूहे साहब आपकी उम्र क्या है? यह सुनकर चूहा चौंका, झेपा, लेकिन बोला, कहने लगा, हाथी साहब उम्र तो हमारी भी 6 महीने की है, लेकिन आजकल हम जरा बीमार रहते हैं। जानी जब कोई लतीफा सुनाए तो जानती नहीं तुम्हें क्या करना चाहिए। जानी, तुम लोगों को मार मार के रुला सकते हो, हंसा नहीं सकते। तुम मारते जाओ मारते जाओ, मगर मैं नहीं हंसूंगी। अगर जानी तेरा नाम है तो गीता मेरा नाम है। Thank you.
मत पूछो कांप रहा है क्यों सैयाद का हाथ, ये मत पूछो कांप रहा है क्यों सैयाद का हाथ। माँ वो देखो, अभी जानी बटन दबाकर तुम्हारी बेटी को मोम के पुतले में बदल देगा। मेरी गीता को छोड़ दो बेटा, मेरी गीता को छोड़ दो, इस माँ की जान ले लो, मेरी बेटी को छोड़ दो, मैं तुझे तुम्हारी माँ का वास्ता दे। फर्ज और इंसाफ के नाम पर जिंदगियां कुर्बान कर देने वाले जॉनी, आज तेरे हाथ क्यों कांप रहे? ये तेरी कौन लगती है? अपना फिर भी अपना है, देगा अपने का साथ। इंसानों को अपने शोरूम की सजावट बनाने वाले जॉनी, आज तेरे हाथ क्यों कांप रहे? बता, ये तेरी कौन लगती है? कातिल भी अपनी जान को वारेगा। ये दोस्त की महबूबा सही, लेकिन तेरी नजरों में तो दुश्मन है, तेरे हाथ क्यों कांप रहे? बता जॉनी, ये तेरी क्या लगती है? ये एक मां की बेटी सही, लेकिन तेरे खून की तो प्यासी है, तेरे हाथ क्यों कांप रहे? बता जॉनी, ये तेरी क्या लगती है? जन्म जन्म का बंधन रग रग में मौजे मारेगा, लहू का लहू पुकारेगा, लहू का लहू पुकारेगा। दोस्त की महबूबा सही, भाई की बहन सही, मां की बेटी सही, लेकिन आज तेरे हाथ क्यों कांप रहे? जानी, ये तेरी क्या लगती है? मैं बताऊं ये इसकी क्या लगती है? मुझे इसकी बहन लगती है। अपनी माँ के खून को भी नहीं पहचानते हो बेटा,
तेरे रगों में भी तो यही खून है। हरि ओम के बाद बड़ा है सबसे माँ का जाप, हरि ओम के बाद बड़ा है सबसे माँ का जाप। माँ के आंसू गंगा जल है धो देंगे सब पाप, जिस बेटे ने बरसों खेली सिर्फ खून की होली, माँ ने उसको गले लगाया पाप की काया डोली, दीप भंवर में डूबी नैया माँ का प्यार उभारेगा, लहू जन्म का बंधन रग रग में मौजे मारेगा, लहू का लहू पुकारेगा, लहू का लहू पुकारेगा। आज हमारी समझ में आया कि जिंदगी ने अब तक हमसे वफा क्यों की। शायद इसी दिन के लिए आज तो आसमान के फरिश्ते भी हमारी खुशी पर रश कर रहे होंगे। आज हमें बरसों से बिछड़ी मां मिली, आज हमें मुद्दत से जुदा हुई बहनों का पता चला, आज हमें हमारा खोया हुआ भाई मिला, और हमारी नासमझी ने जो जख्म दोस्ती के सीने पर लगाए थे रहम दिल वक्त ने वो भी कितनी जल्दी भर दिए। हमने सब कुछ पाया लेकिन कब उस मकाम पर पहुंचकर जहां से वापस आना मुमकिन नहीं। अपनी बहन के जिस्म पर दागे हुए कोड़ों के निशान, ममता की पेशानी से टपकती हुई खून की बूंदें, अपने दोस्त पर लगाया बेवफाई का इल्जाम और अपनी दूसरी बहन के लिए तैयार किया फांसी का फंदा, ये सब हमसे इंसाफ की उम्मीद लगाए बैठे हैं। आज तक हम दूसरों का इंसाफ करते आए लेकिन आज हमें आखिरी इंसाफ करना होगा, अपने आप से इंसाफ। जॉनी, जो जान लेना जानते हैं उन्हें जान देने का अंदाज भी आना चाहिए। जो जान लेना जानते हैं उन्हें जान देने का अंदाज भी आना चाहिए।